वेलकम टू एजुकेशनल ग्रुप। आज दिनांक 13 सितंबर 2020 है। आज की जितनी भी करेंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कशन की जाएगी, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करेंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय एजुकेशनल ग्रुप 13 सितंबर 2020। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा है? तो इसका आंसर होगा ए, हुबली रेलवे स्टेशन को, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है। अब बात हुबली रेलवे स्टेशन की है, तो हुबली रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन में पड़ता है और ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अब बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी हैं और कर्नाटक के राज्यपाल बाजूभाई वाला जी हैं। क्वेश्चन नंबर दो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ए, मास्टर कार्ड। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया है। अब बात सेंट्रल बैंक की है, तो सेंट्रल बैंक की स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई और सेंट्रल बैंक की मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 में हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर होगा ए, हांगकांग। हांगकांग ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 2020 में शीर्ष पर रहा है। अब बात ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की है, तो ये एक वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है और 2019 में भारत के स्थान 79 थी और 2020 में ये 105 पे हो गई है। इसकी 26 स्थान नीचे गिरी हुई है, गिर चुका है जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। अब बात हांगकांग की है, तो हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है और हांगकांग की करेंसी डॉलर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रेकिंग दी कोनून एडिडेट 40 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा ए, राधा नायर। राधा नायर ने ब्रेकिंग दी कोकोनून एडिडेट 14 राधा नायर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर होगा ए, -9% रहने का अनुमान लगाया है। अब बात जीडीपी की है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये जीडीपी एक साल के अंतिम माल और सेवाओं का बाजार का मूल्यांकन होता है जीडीपी में। और जीडीपी को में हिंदी में होता है सकल घरेलू उत्पाद। और जीडीपी का फुल फॉर्म अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सिक्स, किस देश ने ADB के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ADB के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अब बात ADB की है, तो ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई
और इसका मुख्यालय फिलीपींस में है और इसमें 68 कंट्री भाग लेते हैं। और बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, किस राज्य सरकार ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% की राहत देने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा ए गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% राहत देने का निर्णय लिया है। अब बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और प्रस्तावित राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी जी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी जी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन जी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए सिंगापुर। सिंगापुर में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर देश में शुरू किया गया है सिंगापुर में। अब बात सिंगापुर की है तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ए जैन फ्रेजर। जैन फ्रेजर ने हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।